एक ओर जहां हमारा पुरुष प्रधान देश महिलाओं की सशक्तिकरण और सम्मान की बात करता है, वहीं यही पुरुष प्रधान देश महिलाओं को मात्र इस्तेमाल की चीज समझता है। जब तक इस्तेमाल किया नहीं तो दरकिनार कर दिया। आज हम आपको नाला सुपारा की एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शादी के नाम पर धोखा मिला, पति पहले से ही 3 बच्चों का बाप निकला, समाज के ठेकेदारों ने उसे घर से निकालकर बुरी तरह पीटा। आपको बताएंगे कि कैसे एक शबनम शेख नाम की महिला सोनी शर्मा बनी। आप ही सुनिए शबनम शेख से सोनी शर्मा तक की पूरी कहानी इस महिला की जुबानी। क्या नाम है आपका? शबनम शेख। तो क्या हुआ था आपके साथ? मैं प्रकाश से मिली, प्रकाश अपने ऑफिस पे लेके गए जॉब के लिए, फिर उनके साथ में थी मैं, फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, फिर वहाँ पे शादी के लिए बांद्रा कोर्ट लेके गए। बांद्रा कोर्ट जब गई वहाँ से तो फिर हम लोग शादी किए, तो फिर मेरे शबनम से मेरा नाम चेंज किए, सोनी प्रकाश शर्मा रखे। फिर उसके बाद से शादी किए, इतना दिन हम लोग को मालूम नहीं पड़ा कि वो शादीशुदा। पहले से मैं उनके साथ से अच्छे से रहती थी, फिर उसके बाद से कुछ दिन के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि वो पहले से शादीशुदा है। कितने महीने बाद या कितने सालों बाद आपको? 1.5 साल के बाद पता चला। कैसे पता चला आपको? जैसे कि उसके बच्चे लोग का फ़ोन आया, मोबाइल ऑफिस पे ही था, तो फ़ोन आया कि पापा टीवी का रिचार्ज ख़त्म है, रिचार्ज करा दो। तो मैं बोली उनसे कि ये किसका फ़ोन है, फ़ोन मैंने रिसीव की। फिर पूछी मैंने कि ये किसका फ़ोन है, तो फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिए, बोले कि तेरे से क्या मतलब है। फिर बोली पापा तुमको क्यों बोल रहे हैं, तो बोले तो अपने हद में रहा कर, अपने काम से काम रखा कर। फिर उसके बाद से मैं चिल्लाने लगी, रोने उने लगी, फिर उसने बोला कि बच्चे लोग का फ़ोन आया तो अपने काम से काम रहना है, तो रहना तो अपना रास्ता देख। फिर मैंने गुस्से में क्या कि जहर खा ली, जहर खा ली तो डर गया था, मुझे कोई हॉस्पिटल में लेके गया भर्ती करने के लिए, तो वहाँ भर्ती भी नहीं हो रही थी, मैं भर्ती नहीं हो रही थी, तो चौकी में कोई NCC डाल के आया। फिर उसके बाद से हॉस्पिटल वाले कोई पेपर पे सिग्नेचर करवाए मेरे से। फिर उसके बाद से उसने क्या किया, रोने लगा मेरे सामने, बहुत रोने लगा। रोने के बाद उसके बाद से पुलिस वाला आया, तो एक लेडीज़ को बुला के लेके आया मेरे पास। वो लेडीज़ आई तो मुझे समझाई कि जान दे खैर जो कुछ भी हुआ तेरा आदमी है, अभी रात जैसा शादी हो गया, मुस्लिम से हिंदू बन गई है, साथ में तेरे को रहने का है। तो उसके बाद उसने समझाई अभी बंद करवा देगी, मार खिलवाएगी तो तेरा ही बर्बाद होगा, अभी तू ना घर की है ना घाट की है, ना माँ बाप तेरे को पूछेंगे और ना तू कहीं रह पाएगी। फिर वो लेडीज़ की बहकाव में आके फिर मेरे से जब पुलिस वाला इंक्वायरी करने लगा, तो मैंने बोली कि नहीं सर, मैं एक गोली खाई सर दर्द की गोली, तो उसका डेट एक्सपायर हो गया था, ICS में आदमी सिखाए थे मुझे, तो आराम नहीं मिला, तो 2 गोली खाई, फिर 3 गोली खाई, इसे करके पूरे 10 पत्ते पूरे खा ली। तो मेरे साथ ऐसा हो गया, वहाँ पे मैंने उनको झूठ बोल के बचाई, फिर मेरे साथ इतने अच्छे से रहने लगे, 6 साल तक बहुत अच्छे से रहने लगे, ऐसे रहने लगे जैसे बुझा रहे कि एकदम जान निकाल देंगे। फिर उसके बाद से उन्होंने क्या किए, गांव चले गए, उनकी मम्मी का देहांत हो गया, गांव गए, 2 महीने तक बात मेरे से नहीं हो पाया, उसके बाद से जब 2 महीने के बाद फ़ोन आया तो बोले कि देख ऐसा है कि मम्मी का देहांत हो गया, मैं जल्दीबाजी में चला आया। फिर आए तो फिर खर्चा उर्चा दिए, मेरे साथ में अच्छे से रहते थे, आते थे जाते थे, फिर बीच में फिर बच्चे उच्चे को लेके चले गए, तो फ़ोन वैसे ही बंद हो गया 2 महीने तक। तो मैंने वेस्ट में फ़ोन लगाई चिंटू भाई को, तो चिंटू भाई ने क्या बोले, भाभी शर्मा जी तो ईस्ट वाला ऑफिस 12 लाख कितने में बेच दिए, बेच के उसके बाद से वो गांव गए हैं, गांव जाके बंगलो बना रहे। फिर उन्होंने बोले मुझे, मैं उनके पास रोने लगी कि मेरे पास 1 रुपया नहीं, बाल बच्चे के पीछे कुछ दिन तक सही थे, अभी बाल बच्चे उनको याद आ रही है मेरा ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद। तो उन्होंने क्या किए, फिर फ़ोन उनका लगे नहीं, चिंटू भाई बात करते थे, तो बोला कि फुर्सत मिलेगा तो बात करूँगा। फिर उसके बाद से चिंटू भाई के पास मैं रो रही थी कि मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं क्या करूँ भाई अभी। तो चिंटू भाई ने बोले एक काम करो भाभी, तुम घर पर जाओ, उसके घर पे जाओ, ताला तोड़ो, रहो, जो कुछ भी होगा तो हम लोग आएंगे ज़रूरत पे। फिर मैंने क्या की, वहाँ पे ताला तोड़ी, आजू बाजू वाले पहले चिल्लाने लगे देख के मुझे, तुम कौन हो, कहाँ वाले रूम में? संतोष भवन, संतोष भवन के रूम में, उनकी पहली वाली बीबी के जो है वहाँ पे अन्नपूर्णा के पास।
फिर आजू बाजू वाले चिल्लाने लगे, तुम कौन हो, क्यों ताला तोड़ ले। मैं बोली शर्मा जी की वाइफ बोल रही हूँ मैं, और ऐसा ऐसा करके भागे हैं, और जब तक आएंगे नहीं मैं रूम में से जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस्तखार खान के थ्रू मुझे फोन करके बुलवाया। ये इस्तखार खान कौन है? ये इस्तखार खान संतोष भवन रोड के उस साइड, ये बाइक का शोरूम, उधर उसका शिवसेना ऑफिस बोलता है, शिवसेना ऑफिस चलाता हूँ। उसके लड़का ये जुनेद है, सलमान है, ऐसे करके उसके लड़के लोग हैं। तो पहले बाइक से दो तीन चक्कर आए, मुझे देख के गए, मेरे साथ मेरी माँ भी थी। वो लोग देख के मेरी माँ से पूछ के गए कि खाला तुम्हारी लड़की किधर है। तो मेरी माँ बोली कि वो नहीं है, काम से कहीं गई है। तो बोलने कि अब्बा बुलाए हैं ऑफिस से, बोल देना आने के लिए। तो मैंने क्या कि उनके ऑफिस पे जब फुर्सत मिला आई घर पे, तो अम्मी ने बताया ऐसा ऐसा आए थे इस्तखार खान, तेरा आदमी कुछ बोला है। तो मैं वहाँ पे जब घर पे गई, उनके ऑफिस पे गई, तो इस्तखार खान बोल रहे कि तू किस हक से वो घर पे गई है, तू शर्मा का फ़ोन आया है। मैंने बोली क्यों, तो बोल रहे कि वो रूम खाली कर दे, शर्मा रूम बेच दिया है, उस पर तेरा हक नहीं है। बोली क्यों नहीं हक है, मैं उसकी औरत हूँ। तो बोले तेरा कोई हक नहीं है, और वो बेच दिया रूम, रूम खाली कर दे। मैं बोली मैं नहीं खाली करूँगी, मेरा आदमी मेरे सामने आके ये बात बोलेगा तब मैं खाली करूँगी। तो इस्तखार खान ने क्या बोले, तू नहीं खाली करवाएगी तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से खाली करवा दूँगा। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो अपने लड़के लोग को भेजेगा, चाहे उसकी बीवी बच्चे को भेजेगा, 10 करके 10-15 जेंट्स भेज देगा, लेडीज़ भेजेगा, मुझे नहीं मालूम था। मैं रोज़ की तरह वैसे होटल से खाना, उसके घर पर 15 दिन तक थी, होटल से खाना मंगाई, माँ को दी, अपने खाई, और खा के इसे दरवाज़ा खोल के लेटी थी। तब तक अचानक मैं लड़के लोग आ गए, तो दरवाज़ा हाली ली उठ के मैं दरवाज़ा बंद करके और चिंटू भाई को कॉल करने लगी। चिंटू भाई ने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया। चिंटू भाई कौन है? चिंटू भाई बेस्ट में चिंटू भाई ये पठान ग्रुप होते हैं, नानू नू भाई जो होते हैं उनके भाई हैं चिंटू भाई। फिर उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। इससे मुझे तसल्ली दी थी कि आप जाओ भाभी, जो होगा आपको बहन मानता हूँ, आपके लिए मैं हम लोग हर जरूरत पर खड़े हैं। वो लोग नहीं आए। फिर उसके बाद से ये लोग क्या किए, इस्तखार खान के लड़के लोग दरवाज़ा तोड़ने चालू कर दिए। दरवाज़ा तोड़ने लगे, वो लोग लातों लात दरवाज़ा पे मारने लगे, दरवाज़ा पे मारने लगे। फिर उसके बाद से दरवाज़ा टूट के मेरे आँख पे गिर गया। जब आँख पे गिर गया तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि दरवाज़ा बहुत जोर की गिरी, मेरे सर पे लग गया था। अब उल्टा गिरी थी, अब उसमें बेहोशी में इस्तखार खान के लड़के मारे, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके बच्चे लोग मारे मुझे। मेरे आदमी का, मेरे बड़े वाले जेठ का लड़का है सुनील नाम है, तो बोल रहा मेरी माँ को पकड़ के बाहर ले जाकर बैठा दिए। बोल रहे कि बुढ़ी तू चुप मार के ये बैठे रहा, तू ज़्यादा बोलेगी तो तू भी मार खाएगी। तो मेरी माँ बैठी थी, मुझे गाली गलौज कर रहे थे। फिर मेरी माँ बोल रही है सुनील तू अच्छा कर रहा है, तो बोल रहा कि अभी कम करवा रहा हूँ, उसका भतीजा बोला मेरे आदमी का, अभी कम करा रहा हूँ, ज़्यादा बोलेगी तो इसको यही ख़त्म कर दूंगा मैं। ये कितने महीने पहले की बात है सर? ये मेरे को तो, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरे को डेट तो नहीं याद। 2017 या 18-19 कब हुआ था ये तो 18 का ही, 19 का ही है ना, 19 का है, 2019 का है। 6-7 महीना पहले की बात? 3-4 महीने का, 3-4 महीने पहले की बात है। फिर वो लोग मुझे मारे, बहुत मारे, फिर डंडा चप्पल जो इच्छा लगे, जो चीज़ पाए उससे मारे। और जब मैं बेहोश हुई थी तो मेरा मोबाइल वहीं पे गिर गया, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग था मेरे आदमी का, मेरे साथ में बात करने का, साथ में बैठने का, उठने का, ऑफिस का, हर चीज़ का फ़ोटो था। और उसमें इस्तखार खान का जो कॉल आया था, जुनेद अपने नंबर से किया था, उसका कॉलिंग भी था, मैं सब रिकॉर्डिंग की थी। उन्होंने क्या किया, मोबाइल उठा के पहले मोबाइल तोड़वा दिए, मेरा मोबाइल तोड़वा दिए। तोड़वाने के बाद उन्होंने क्या किए, मेरा बाल पकड़ के बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद उन्होंने लोग क्या किए, दरवाज़ा बंद कर लिए, लकड़ी का तो टूट गया था, लोखंड का दरवाज़ा था अंदर से, दरवाजा सब बच्चे लोग अंदर होके दरवाज़ा तोड़ दिए। बेटी माँ इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, एकदम सुनने लायक नहीं, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है। फिर उसके बाद से मेरा आदमी 4-5 दिन तक नहीं आया। ये मामले के बाद आप पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन में गई थी। पुलिस स्टेशन जब गई मैं यहाँ से, तो पुलिस वाला ने क्या किया, बोला कि जाओ पहले FIR दर्ज कराओ। तो मैं चौकी में आई, ये नाला सोपारा स्टेशन के पास ब्रिज के नीचे चौकी में आई। तो वहाँ पे मैंने, मेरे को चोट बहुत ज़्यादा लगे थे, तो उन पुलिस वाले ने तुरंत क्या बोले, ये नागिन दास सरकारी हॉस्पिटल वहाँ जाओ तुम, वहाँ से पहले बैंडेज वंडेज करवा लेना आना। फिर वहाँ गई मैं, तो वहाँ गई फिर उठने का मेरा शक्ति नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे एक दर्द की गोली लगाई और मेरा खून उन साफ करके बैंडेज बांध दिए। फिर वहाँ से आई तो कुछ मतलब ही नहीं, बोले तुम संतोष भवन, ये पावती लेके संतोष भवन पुलिस चौकी में चले जाओ। वहाँ पे गई तो सर को बोल बोल के मैं थक गई कि सर मेरा इतना मारे मेरे को, और मेरा आदमी भी मेरे सामने नहीं आ रहा है। तो उन्होंने, उन लोग ने क्या किए कि, उन लोग क्या किए कि बोल रहे कि आवाज़ कम करके बोलो और
बैठो चुप मार के हम लोग देखते हैं। फिर उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, बोले हम लोग देख के आए, लोग रूम पे नहीं है। वो लोग क्या किए, इस्तखार खान के लड़के लोग उन लोग को घर में ढुका के बाहर से बड़ा सा ताला मार दिए। और इस्तखार खान के ऑफिस में जब मुझे शक हुआ कि इस्तखार खान बुलाए तो इस्तखार खान के ऑफिस में बोली सर एक मिनट इस्तखार खान के ऑफिस पे चलो। इस्तखार खान के ऑफिस पे जब ही गए वो लोग तो उसका भतीजा इस्तखार खान बैठ के वो लोग सब मस्त पार्टी कर रहे थे, दारू वारू सब पी रहे थे। तो मैं सर को दिखाई भी, सर ये देखो यही है इनका भतीजा, ये मुझे मारा, इन लोग को लेके आया था। तो उन लोगों ने क्या किए, मारने के लिए दौड़ के इस्तखार खान के पुलिस के सामने मारने के लिए आए। तो पुलिस वाला लड़के लोग मारने के लिए बोला, पुलिस वाले को बोला इसको लेके चले जाओ ना तो इसको मार के यहीं पे हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो पुलिस वाला बोला मैडम तुम एक काम करो आप इस पे चौकी पे चलो, मैं आता हूँ इन लोग को लेके। फिर लेके गए तो कसम खाने लगे इस्तखार खान, बोलने लगे कि मैं कुरान उठा लूँगा, ये मेरे बच्चे लोग नहीं है, झूठ मूठ के ये गंदी औरत है मेरे बच्चे लोग को फंसा रही है। ये मैं आँख से देखी हूँ मेरे को झुटका रहे इस्तखार खान। फिर उसके भतीजे को लेके आए जब, तो उसका भतीजा एक थैली में एक पेपर करके लेके आया। वो पेपर लेके आया तो क्या बोल रहा है कि मेरे आदमी नहीं आ रहे, उसके भतीजा आ रहे, बोले कि तलाक हो गया। मैं सुन के चौंक गई कि तलाक कैसे, इतना दिन मेरे साथ में था, तलाक हुआ तो मेरे को मालूम तो होना चाहिए, मुझे मालूम नहीं। उसको अंदर बैठा के रखे थे ये लोग पुलिस वाले। फिर उसके बाद से बोला कि सर देखो तलाक हो गया, ये झूठ झूठ बोल रही है, अपनी मर्जी से तलाक की है। फिर मैंने रो रो के चौकी में बोलने लगी सर मेरा तलाक, मुझे मालूम ही नहीं मेरा तलाक, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं मेरा कब तलाक हुआ है। फिर उस पर वो लोग पुलिस वाले देख के डेट बता रहे हैं कि 2017 में तुम्हारा तलाक के पेपर पे साइन हो गया है। तो मैं रो रो के बोलने लगी सर तलाक होता है तो कोर्ट में शादी हो तो कोर्ट से तलाक होगा, मेरे से पूछेगा एक मर्तबा कि तलाक करोगे कि नहीं। तो उन लोग ने बोले कि नहीं पेपर पे कोई साइन की हो गया है तलाक। पुलिस वालों ने भी आपको यह कहा कि आपका तलाक हो गया, लेकिन इनको हैरी नहीं की उन लोग ने। मैं चार महीने से ये चौकी से वो चौकी दौड़ रही हूँ, जब चौकी में जा रही हूँ तो इस्तखार खान आके चौकी में बैठ जा रहे हैं, बोले जब जब मेरे बेटे लोग का नाम आएगा तब तक मैं चौकी में दौड़ के आऊँगा। ये तो इसका तो कहीं जगह नहीं है, मुसलमान के नाम पर कलंक है, ये मुस्लिम होके हिंदू बन गई है, इसका कहीं जगह नहीं, ना नीचे जगह ना ऊपर जगह है। फिर इस्तखार खान जितने चक्कर सर ने बुलाए, सर का नाम मात्रे साहब है, उनके नाम में हाथ में गया था FIR। ये मात्रे साहब कहाँ बैठते हैं, संतोष भवन में? संतोष भवन में बैठते। तो सर बुलाए मेरे को, बुला के बोले तो मेरा आदमी तीन दिन के चार दिन फोन लगाया मेरे सामने, मेरे आदमी को फोन लगाए तो बोला कि मैं नहीं हूँ बाहर हूँ पूना हूँ। तो बोला कि तुम्हारी औरत के साथ में ये, बोला कि मेरे को नहीं मालूम, झूठ झूठ नाटक कर रही है, आप देख लो मैं आता हूँ, पुलिस वाले से बोले। फिर उसके बाद से तीन चार दिन के बाद मैं दौड़ दौड़ के थक गई, तो तीन चार दिन के बाद पुलिस वाला बुलाया, तब पेपर मेरा आदमी लेके आया चौकी में, चौकी में लेके आया तो बाहर क्या बोला मेरा आदमी, पुलिस वाला बुलाया तो कि काम कर घर चल, कोई बात नहीं है, जैसे अपन रहते थे पहले वैसे रहते, चौकी में ये सब नाटक मत कर घर चल। तो मैं घर चली गई, जान दो कोई बात नहीं है, जब रखेंगे तो मैं क्या जरूरत है चौकी जाने के लिए, तो मैं घर वापस चली गई। फिर उसके बाद से वो मेरे पास आना जाना बंद कर दिया, ना आ रहा है ना जा रहा, और उसके बाद से धमकी देने लगा फ़ोन पे धमकी देने लगा कि तेरा तलाक हो गया अब चल निकल ले, तू जहाँ मर्जी तहाँ जा, मैं तेरे को नहीं रखूँगा। फिर मैंने बोली भी उनको तो बोल रहे हैं कि तूने अपनी मर्जी से मेरे को झूठ झूठ बोल रहे अपनी मर्जी से तलाक की है। पर मैं ये चक्कर में कहाँ कहाँ कोर्ट रूट कहाँ कहाँ दौड़ दौड़ के गई, जहाँ गई तो वकील लोग बोले, वकील का मेरे पास पैसे तक नहीं है कि मैं वकील करूं, वकील के पास बोले तो बोल रहे कि तलाक तीन मरतबा होता, जैसे कि तुमको तीन मरतबा बुलाएंगे तलाक के लिए, एक मरतबा तलाक के लिए पूछेंगे तुम साथ में रहना चाहते हो कि नहीं, दूसरे मरतबा मतलब छः महीना तक साथ में रहने देंगे, और तीसरी मरतबा में तुम्हारा मतलब तलाक हो जाएगा। मतलब मैं रोने को बोलने लगी सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसका एजेंट का ऑफिस था, अगर वहाँ पर कोई झूठ बोल के साइन करा हो तो वो मुझे नहीं मालूम है। फिर उन्होंने क्या किए, मेरे पास आना जाना बंद कर दिए, फ़ोन करना बंद कर दिए। तो फिर मैं संतोष भवन चौकी से ये चौकी वो चौकी दौड़ दौड़ के सर को फ़ोन कर करके थक गई। फिर यहाँ एवरसन टाकी रोड के पास DSP का ऑफिस था, वहाँ पे मुझे बखार वाले बताए कि वहाँ पे जाओ तुम्हारा वहाँ सुनवाई होगा। सर के पास वहाँ गई तो सर ने बोले कि एक तो पहली बीवी रह के और दूसरी शादी नहीं हो सकती है। तो मैं बोलने लगी सर मेरे को मालूम नहीं था, डेढ़ दो साल के बाद जब मुझे मालूम पड़ा ये शादीशुदा आदमी है। तो उन्होंने बोले कि काम करो मात्रे साहब के पास जाओ तुम्हारा सुनवाई होगा। फिर मात्रे साहब ये बेस्ट में सोपारा गांव में
हाँ सोपारा गाँव पुलिस चौकी पे थे तो मुझे वहाँ भेजे, वहाँ गई मैं तो साहब ने बोले कि तुम संतोष भवन चलो मैं आता हूँ। फिर वहाँ पे गई तो बोला तेरा आदमी फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फिर उन्होंने क्या किए मुझे उस दिन से दौड़ा रहे इधर उधर इधर उधर, मैं कहाँ कहाँ किसके कोई संतोष भवन के कोई नगर सेवक कापिस नहीं छोड़ी हूँ मैं, दौड़ दौड़ के मैं परेशान हो गई। वो बोला रखूँगा नहीं, जहाँ जहाँ जाना है तो जा। कौन से साल में तलाक दिया था? 2017 उसमें बता रहा है, 2017 में चौकी में मुझे मालूम पड़ा। लेकिन मेरा कब हुए ये अभी 3-4 महीना हुआ और मेरा बच्चा 2018 में नुकसान हुआ है। शादी में समझो 6 साल शादी को गए तो हाँ मेरे दो बच्चे, पहला बच्चा उसने बोला कि अभी बच्चे क्या करेगी तबीयत बहुत खराब है बच्चे मत ले भी, तो उन्होंने क्या कि पहला बच्चा ये ब्रिज के नीचे सफैया करवा दिया, और 3 साल का सुई लगवा दिया मुझे, 1.5 साल का बोल के 3 साल का सुई लगा दिया। 3 साल के बाद ये पहला बच्चा था तो मेरे को हर्निया हो गया था, तो उन्होंने बोले कि काम कर मेरे को भी ऑपरेशन कराने का, मेरे को झूठ झूठ बोले डॉक्टर, बोले कि अगर 5 महीने का बच्चा रहेगा तो नहीं नुकसान, मुझे बच्चे चाहिए था उसको नहीं चाहिए था, उसका पहले से मन में पाप था, डॉक्टर बोल रहे थे कि 5 महीने का बच्चा रहता तो नहीं नुकसान होता। तो इन्होंने क्या किए जबरदस्ती मेरे को लेके गए, बोले करवा ले ऑपरेशन ना तो मर जाएगी, मैं तेरे को कहाँ से पाऊँगा। मेरे को लेके गए जबरदस्ती ऑपरेशन करवाए तो दवा के वजह से नुकसान हो गया बच्चा मेरा। फिर ये भी अब आप पुलिस से क्या चाहते? पुलिस से न्याय चाहती हूँ मैं, पुलिस के पास दौड़ दौड़ के मैं थक गई, नाला सोपारा संतोष भवन इधर उधर सोपारा गांव दौड़ दौड़ के बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्या आपकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं, कोई नहीं आगे आ रहा है। 4 महीने से मेरे पास 1 रुपया नहीं है। एक बाजू वाली थी उसको बोली मैं तो बोली कि चल तेरे को मुंबई का एक काम पे लगा देती हूँ काम कर, गई सारा दिन वहाँ पे काम के लिए गई तो वहाँ पे वो मांग रहे थे प्रूफ मांग रहे थे आधार कार्ड पैन कार्ड, तो आधार कार्ड पैन कार्ड इसके ऑफिस में ही था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो इनको फ़ोन की कि अगर तू नहीं रखेगा तो मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है तो मैं काम भी कहाँ करूँगी। तो उसने बुला के सीताराम के होटल पे मेरा सब आधार कार्ड पैन कार्ड जितना था उसने दिया। अब बोल रहा कि अपना रास्ता देख ले और सबके ऑफिस पे जा जा के बोल रहा कि इसको बोलो दूसरी शादी कर लेने के लिए, जो जो खर्चा आएगा शादी में मैं दूंगा इसको। मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके बोल रहा दूसरी शादी कर ले, मैं तेरे को दूंगा खर्चा।